हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मनमोहन शर्मा मैथ चैनल पर स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि बिल्कुल नई चैनल है। और इस चैनल को आप जितना देख रहे हैं वो स्वागत योग्य है। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हम क्लास ट्वेल्थ का कंटिन्यूटी हम शुरू किए थे। कंटिन्यूटी में एक डिफिनेशन हम लिए थे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना। और उस पर हम कुछ एग्जांपल्स भी रखे थे। और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की थ्योरीज को डिस्कशन करने के बाद उसकी ग्राफिकल सिचुएशन को भी हम स्टडी किए थे पिछले वीडियोस में। और उसके बाद हम उस पर कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज के डेट में हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का स्टडी करेंगे। फिर आज एक थ्योरीज लेते हैं। अब इंटरवल का मतलब है स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल दो इंटरवल होते हैं। मतलब इसका डिफिनेशन अगर हमें लिखना पड़े तो इसमें एक हमारे पास आएगा कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल कर देते हैं, एन ओपन इंटरवल। ये फर्स्ट है, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी मतलब एक फंक्शन जो है, आप ये सपोज कीजिए, देखिए इसको, ये हमारे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब जिस पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे थे, अगर पिछले वीडियोस में हम देखेंगे तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे थे। इस फंक्शन का स्टडी कर रहे थे, पार्टिकुलर पॉइंट ये, ए पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का स्टडी किए थे पिछले वीडियोस में। और आज के वीडियोस में हम जो कंटिन्यूटी का स्टडी करेंगे वो एक इंटरवल में करेंगे, इस इंटरवल में कर रहे हैं, ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी में हम जो है कंटिन्यूटी का स्टडी करेंगे स्टूडेंट। अब आप जैसे एक पॉइंट के लिए आपने स्टडी किया, ये हमारे पास कंटिन्यूटी, आप पिछले वीडियोस को जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से आप देख लें, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी है स्टूडेंट। तब ऐसी स्थिति में हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और साथ में अगर यफे, ये तीनों बराबर होता है, मतलब यफे का मतलब फंक्शन ऑफ वैल्यू है, ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है, और साथ में इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे निकाल दीजिए, बहुत ही नियरेस्ट होता है स्टूडेंट, इसलिए आप इतना नियरेस्ट पॉइंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं, या आप जितना नियरेस्ट लाइफ में जाना चाहते हैं, इमेजिनेशन कीजिए उतना ही नजदीक आप पहुंच जाए। माने ये इतना डिफरेंसेस बोर्ड पर दिखाना एक मैथमेटिक्स के लिए गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं, ये बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट है, ये टेंस टू जीरो, इतना क्लॉज है कि यह पॉइंट टेंस टू जीरो है स्टूडेंट, लेकिन आपको दिखाने के लिए टेंस टू जीरो नहीं रख रहे हैं, ये समथिंग कुछ ऐसा डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं जिससे कि बोर्ड पर आप उसे देख सके। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और यफे का अगर वैल्यू सेम होता है, तब इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कहते हैं, अदरवाइज हम उसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। ये पिछले वीडियोस में इसकी थ्योरीज हम देखे थे। अब क्या है,
तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक किए। अब क्या है कि आपको इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अगर इसमें हम पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो इस सारे पॉइंट के ऊपर माने जितने भी पॉइंट इसके ऊपर हैं x1 x2 जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में। उस सारे पॉइंट पर इच एंड एवरी पॉइंट पर अगर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब आप इसे कहेंगे कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर इसका डिफिनेशन हम लिखना चाहें, अब तो एक पॉइंट की बात आप समझ ही गए होंगे, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं डिफिनेशन के रूप में तो हम इसे लिखेंगे ए फंक्शन fx इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a to b इफ फंक्शन fx if a function fx is continuous at each and every point अब ऐसे में लिखा देते हैं belongs to open interval a to b। मतलब फंक्शन जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहां से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ओपन इंटरवल ए टू बी से। अगर ओपन इंटरवल ए टू बी के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब ऐसी स्थिति में इस फंक्शन को इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहेंगे। तब तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि इसके अंदर में नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में, तो क्या मैं सारे पॉइंट पर लेकर चेक करूंगा? तो एक पॉइंट पर चेक करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, और वो भी लगभग एक पेज का कैलकुलेशन होता है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो ये आप समझ रहे होंगे कि आप इनफाइनाइट पेज का कैलकुलेशन करके तो आप उसे देखेंगे नहीं। तो क्या है, तो अब आप चेक करेंगे कैसे? तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और प्रॉपर्टीज से यह हम ज्ञात होता है कि फंक्शन किस पॉइंट पर या आप फंक्शन किस इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और उसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं जहां फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी आपके लिए एक नया टर्म आया होगा क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर या क्रिटिकल पॉइंट्स पर एक लेक्चर कंप्लीट होगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हम उसके एप्लीकेशंस का स्टडी करेंगे, और वहां एक कंप्लीट लेक्चर्स होगा क्रिटिकल पॉइंट्स का। लेकिन तत्काल ये आप याद रखें कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जहां फंक्शन, आप कह लो कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां की डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाता है।
तो कहने का अर्थ है कि अगर ये अनुमान लगाएंगे कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो अभी सिंपल आप ये याद रखना कि प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट का यूज करेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट कंटिन्यूटी में जस्ट आप ये समझ लो कि फंक्शन जो पीस वाइज दिया हुआ होता है, तो उस समय हम लोग कनेक्ट जो होता है जिस पॉइंट पर फंक्शन एक दूसरे से जुड़ेंगे, उस समय उसी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अब क्यों करते हैं और क्यों प्रॉपर्टीज लगाते हैं, वो जब हम थ्योरी में आएंगे तब आपको देखेंगे। तो जनरली एक या दो या तीन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना पड़ता है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे फंक्शन को, बाकी प्रॉपर्टीज से हम बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो प्रॉपर्टीज और क्रिटिकल पॉइंट का स्टडी करेंगे या उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल हुआ। अब क्या है कि कंटिन्यूटी अब हम लोग चेक करेंगे ओपन के बाद आ जाते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। मतलब ये सेकंड डिफिनेशन है, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज्ड है इस प्रकार से, वो जो ओपन दिखा रहे थे इस पॉइंट को इंक्लूड किए हुए है, माने फंक्शन इंक्लूड किए हुए इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट यहां थोड़ा डार्क और बड़ा दिखाते हैं ताकि ये आप समझ लो कि ये फंक्शन उसमें इंक्लूड है। मतलब फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही आपकी कंटिन्यूटी को दिखाना है। क्या डिफिनेशन इसका होगा? तो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे इसके एंड पॉइंट पर। देखिए डिफिनेशन हम क्या लिखते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ कंडीशन नंबर एक एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट। यहां आप देखिए स्टूडेंट, फंक्शन इस पॉइंट पर इंड कर गया, इसका मतलब है कि फंक्शन इसके बाद ए के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ए का लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब फंक्शन जो है, या आप लिमिट की बात करते हो तो वन साइडेड लिमिट होगा इसमें, यहां जो है वन साइडेड लिमिट होगा, इसमें सिर्फ जो है ये लेफ्ट है तो इसमें लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, माने लेफ्ट हैंड लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट करेगा ए पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ए पॉइंट पर। इस पॉइंट से इधर आपके पास फंक्शन है, मतलब इस पॉइंट पर आपका वैल्यू बढ़ रहा है, इधर जाने के बाद ए प्लस पर आप आ गए। ए प्लस का मतलब हो गया कि इधर आपके पास में राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जबकि इसके बी पॉइंट को अगर देखते हो तो बी के राइट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी के राइट साइड में जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो करेगा किधर? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब है इधर फंक्शन एग्जिस्ट किया तो एक्स का भी वैल्यू आपका लेफ्ट ही होगा, मतलब इधर आने के बाद इसकी वैल्यू बी में क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इसका मतलब यहां क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो
आप क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं ए टू बी, तो आप देखिएगा फर्स्ट में राइट में एग्जिस्ट करता और अंत जब चले जाएंगे बी पर क्लोज्ड हो रहा है तो बी से आपका लेफ्ट, इधर से आगे बढ़ना है तो राइट हो गया, आगे बढ़ेंगे तो राइट, और बी से बैक आएंगे पीछे की ओर आएंगे तो लेफ्ट हो गया आपका। तो आपके पास में वही हम लिखे कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पॉइंट पर, ए पर, कब होगा फ्रॉम राइट, मतलब राइट से ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट इज आपको दिखाना होगा वहां, क्या दिखाना होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर है। अब यहां अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता तो लेफ्ट भी लेते, मैंने राइट हैंड लिमिट जो है वो एफ ए के बराबर है ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर लेफ्ट में लोगे तो सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी, इस पॉइंट पर ए है और इस पॉइंट पर बी है फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में आ गए, मतलब दैट इज आप कहोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यहां बी पॉइंट पर हो तो बी पॉइंट से लेफ्ट में आ रहे हो, तो वही लिखे हैं लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट बी की बात कर रहे हैं, वो अगर एफ बी के बराबर होता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा बी पॉइंट पर। इस प्रकार से इसके दोनों इंड पर, इस प्रकार से इसके दोनों इंड पर कंटिन्यूटी चेक कर लिए, और साथ में जब इंड पर कंटिन्यूटी चेक कर लिए तो अब इसके प्रत्येक पॉइंट पर चेक करेंगे, मतलब इस फंक्शन के ओपन इंटरवल में ये इच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू, कर देते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब इसके इंड पॉइंट पर तो आपने चेक कर लिया, तब इंड पॉइंट को हटाएंगे तो ये जैसे ही इंड पॉइंट हटेगा तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ओपन इंटरवल में बदल जाएगा, और प्रत्येक ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर इसको चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है तब आप कहेंगे कि इस इंटरवल में, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। ध्यान रखेंगे आपके पास में हमने कहा कि ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि फंक्शन को ओपन इंटरवल में प्रत्येक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमने कहा स्टूडेंट कि अगर आप ईच एंड एवरी पॉइंट की बात करते हो तो एक इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर जाकर फंक्शन को चेक करेंगे। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि फंक्शन के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जैसे कोई फंक्शन पीस में है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन आपका ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अब देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन सेकंड पीस में भी पॉलिनोमियल है, तो फिर जानते हैं कि सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, तो देखेंगे कि दोनों फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हुआ कि नहीं, अगर कनेक्ट हुआ इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके और क्रिटिकल पॉइंट का यूज करके हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। उसके बाद अभी हम चेक करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, बाद में हम क्रिटिकल पॉइंट का हम स्पेशल क्लास भी लेंगे। तो अभी क्या है स्टूडेंट, अब आ गए हम उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए पहले उसके दोनों इंड पॉइंट पर चेक करेंगे। इंड पॉइंट पर क्या है स्टूडेंट कि पहला इंड पॉइंट जो देख रहे हो ए, ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए उसके राइट साइड में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, तो इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट जो है एफ ए के बराबर होना चाहिए, और जब बी पॉइंट पर जाएंगे तो फंक्शन आपका लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर वो एफ बी के बराबर होता है तब कहेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका उसके अंदर में इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब कि आपके पास में फंक्शन के साथ में ए और बी पॉइंट आपका गिवन है,
ए और बी पॉइंट आपका गिवन है, इसका मतलब कि ए और बी पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। थर्ड में हमने कहा कि उसके ओपन इंटरवल में, मतलब इसके बीच में फिर जितने पॉइंट आएंगे उस सभी पॉइंट पर फिर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, फिर चेक करने के लिए वही मैथड उसके प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और साथ में उसके क्रिटिकल पॉइंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आएंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बाद जो टॉपिक हमारा होगा वहां हम वो आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज में बताएंगे कि कौन कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आप उसे याद रखेंगे जो बाद में यूज में आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्लोज्ड इंटरवल की कंटिन्यूटी को देखा। अब इस प्रकार से आपका जो ये कंटिन्यूटी है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, दो डिफिनेशन की बात हमने किया। अब कंटिन्यूटी आप उसके पूरे डोमेन पर भी देख सकते हैं, आपने एक हिस्सा पर देखा या तो ओपन इंटरवल में या क्लोज्ड इंटरवल में। अब मान लो कि और भी फंक्शन का कुछ डोमेन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डोमेन का भी स्टडी करवा सकता है कि कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन, ये भी डिफिनेशन ले सकता है इन इट्स डोमेन, इसको नंबर थर्ड कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इंटरवल है नहीं लेकिन उसका पूरे डोमेन की बात। जैसे फंक्शन हमारा, सपोज करो कि आपका जो फंक्शन है इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूड है और ये भी पॉइंट इंक्लूड, सपोज कर लो। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है ना वो x1 और x2 है, ऐसे। मतलब ये जो फंक्शन का जो डोमेन है वो मान लो कि क्लोज्ड इंटरवल x1 to x2 है। तो कहने का अर्थ है कि इस फंक्शन के डोमेन का आप स्टडी करोगे, मतलब उसके डोमेन में जाकर। तो आपका जो इंटरवल हम लिख रहे थे उस इंटरवल को ना लिखकर आपका फंक्शन का डोमेन लिख सकता है, या और भी हो सकता है कि डोमेन आपका पूरा रियल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है डोमेन। तो उसके डोमेन पर आपको पूछा जा सकता है। तो अब उसका डोमेन के लिए क्या डिफिनेशन लिखोगे, ए फंक्शन एफएक्स इज, ए फंक्शन एफएक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस in its domain if function fx is continuous at each and every point of each and every point in its domain, same definition लिखा। जो भी उसका domain होगा, function का जो भी domain होगा स्टूडेंट, तो उसके domain के each and every point पर अगर function continuous है तब हम कहेंगे कि function हमारा finally अपने domain पर continuous है। तो ये third topic हुआ, मतलब आपसे question किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करें, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करें, या कंटिन्यूटी का डिस्कशन करें, या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर डिस्कशन करें, किसी प्रकार से लैंग्वेज को फॉर्म किया जा सकता है, और साथ में यह भी कहा जा सकता है कि उसके डोमेन पर उसकी कंटिन्यूटी को आप बताएं। अब यहां हम क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यहां लिख देते हैं, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, अब इसकी जो है
कंटिन्यूटी आपको चेक करना है किसी इंटरवल के रूप में। तो यहां लिखते हैं देन चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, ऐसे दे दिए 1 to 2 में आपको क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना है। अगर देखो इसका ग्राफिकल सिचुएशन भी आप बना सकते हो, 1 से 2 तक का ग्राफिकल सिचुएशन भी बता सकते हो। यहां यक्स जो है, यक्स का जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच अगर लेते हो तो एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 पॉइंट फ्रैक्शन है तो ऐसी स्थिति में इंटीजर 1 होगा। और जब यक्स बराबर 2 लेते हो स्ट्रिंग तो यहां एफ एक्स की वैल्यू 2 होगा। अब इसी इसका हम ग्राफ अगर खींचेंगे, इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो देखिए क्या होगा। ये आप 1 रख लें और ये 2 हो गया, ये 1 है और ये 2 है। यक्स की वैल्यू 1 इंक्लूड है और 2 ओपन में है, 1 से ग्रेटर देन है, 2 से लेस देन है, लेकिन 1 का इक्वस भी है, मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वस टू एक्स है। तो यक्स को 1 से शुरू करेंगे, 2 पर ओपन रखेंगे, एफ एक्स 1 है, एफ एक्स इक्वस टू 1 का मतलब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन से है। मतलब अगर इसका तुम ग्राफ खींचा तो 1 इंक्लूड था, 2 ओपन है, तो ओपन दिखाइएगा, ये वैल्यू हो गया और ये तुम्हारे पास कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 है। और जबकि एफ एक्स इक्वल टू 2 है, मतलब इस पोजीशन पर जब एक्स का वैल्यू 2 होता है तो एफ एक्स की वैल्यू 2 हो गया, मतलब ये पॉइंट। तो अगर आप ग्राफ भी बनाना जानते हैं तो ऐसी स्थिति में बता सकते हैं ना कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to 2 में फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पर जो है फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये ग्राफ का भी स्टडी करके आप इसकी कंटिन्यूटी बता सकते हैं। और अगर हमें तो आप चेक करने की बात करो तो चेक कर लो, पहले इसके एंड पॉइंट पर चेक करो, थ्योरी जो कहता है तो आप चेक कर लो एंड पॉइंट पर। तो एंड पॉइंट पर यहां क्या होगा, 1 के बाद ना एग्जिस्ट करेगा, तो राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट फंक्शन यहां लिख देते हैं, फंक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स है, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स है फंक्शन, तो यक्स टेंस टू 1 प्लस ले लिया ऑफ एफ एक्स। यहां हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहां हमारे पास आ गया लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स है, यहां रखोगे 1 प्लस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। और जब 1 रखोगे एफ 1 तो एफ 1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तब भी इसकी वैल्यू 1 हो गया। मतलब यहां आप देख रहे हो ना कि राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए एफ 1 के बराबर है, या इसको आप ऐसे लिखो कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स यहां जो है आपके पास में एफ 1 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 1 पॉइंट पर ये जो है आपका इंक्लूड है, माने 1 पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब आप सेकेंड इन पॉइंट पर चेक करो, राइट हैंड लिमिट पर चेक करोगे तो लिमिट अब 2 पर जाओगे तो 2 के बाद फंक्शन नहीं है, 2 से लेस देन पर फंक्शन है, हमें इसी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक्स टेंस टू 2 माइनस लेंगे ऑफ एफ एक्स तो फंक्शन हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और एफ एक्स फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो यहां हमारे पास हो गया 2 माइनस, मतलब 2 में कुछ डाटा कम गया, 2 में डाटा कमने का मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 प्लस फ्रैक्शन होगा, मतलब इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो फाइनल 1 होगा,
लेकिन F2 पर अगर तुम देखते हो तो यहां 2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसकी वैल्यू 2 आ गया। इसका अर्थ है स्टूडेंट कि यहां 2 माइनस ऑफ एफ एक्स जो है वो F2 के बराबर नहीं है। अब F2 के बराबर नहीं है इसका मतलब कि 2 पर फंक्शन आपका जो है डिसकंटिन्यूअस है। अब 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, अब इसके बीच में किसी पॉइंट को आप ले लो, किसके बीच में 1 से 2 पर, और उसका लेफ्ट निकालो और राइट निकाल दो तो सेम ही होगा, सेम होगा। तो जब सेम होगा तो इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 पर आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके बीच में भी किसी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो, किसी एक पॉइंट को लेकर। अब एक पॉइंट आप ए ले सकते हो, ए ले सकते हो। अब आपको इसके बीच में भी आप लेफ्ट और राइट चेक करोगे। चलो ये तो आप समझ गए होंगे कि 1 पर कंटिन्यूअस है लेकिन दूसरे इंटू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब थोड़ा सा चलो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करते हैं आपको इसके बीच में दिखाते हैं कि अगर इसके बीच में हमें दिखाना हो, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी, तो आप ए मान लेना, लेट कर लेना। क्या लेट कर लोगे? ए बिलोंग्स टू अब ये तो ओपन में हो गया, ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 से 2, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इसके बीच में जब बिलोंग कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये तो फाइनली ए माइनस होगा। अब इसके बीच में जो भी डाटा होगा उससे थोड़ा कम करोगे, इसके बीच में जो भी डाटा लेंगे उससे थोड़ा सा कम करोगे तब भी 1 से ग्रेटर देन होगा और 2 से लेस देन ही होगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा ओरिजिनल में वो 1 पर ही जाकर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? आपका ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में। तो इसके बीच का कोई भी डाटा लेंगे तो ऑलवेज वो 1 पर शिफ्ट कर जाएगा। और इसका राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो अब इसी के बीच में कहीं ए है तो आप यहां भी जाओगे। अब ए के बदले में आप कुछ ले लेना भाई, 1.5 ले लेना, 1.6 ले लेना, जो भी लेना हो। आप यहां से जब जाओगे तो ये ए प्लस हो जाएगा, तब भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। और एफ ए जब लेते हो तो ए तो इसके बीच में ही है तब भी इसका वैल्यू 1 है। मतलब ए जो है पूरे वैल्यूज को शो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए जो आपने लिया, वेयर ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to 2, तो इस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका अर्थ है कि ये पूरे पर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट कौन सा? 2 को छोड़कर। फाइनली हम इसका आंसर लिख सकते थे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to 2, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। और 2 पर फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एंड कर दो, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं उसको, या नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी देखते, या हम सिंपल कहते कि 1 से 2 पर इतना ना लिखकर इतना लिखते कि ये एफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। अभी हमने लिखा था, अब देखो प्रॉपर्टीज की बात में हमने किया था। अब इस लाइन को हम नहीं लिखते स्टूडेंट, ऐसे लिखते, ये है 2 है सॉरी, तो एफ एक्स क्या हो गया? 1 हो गया। 1 कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज रियल होता है, पूरे रियल नंबर पर। तो ये तो उसके रियल नंबर का ही पार्ट है, इसलिए उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम प्रॉपर्टीज से भी डिफाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज हम आपको बताए नहीं है, इसलिए अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं जब तक प्रॉपर्टीज हम आपको करवा नहीं देते। अब आपके पास में इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कहते कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
अब ये क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आप इस टर्म को भी, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको भी आप चाहें तो फिगर से बना सकते हैं ऑफ यफ, और फंक्शन को मॉडुलस में ले लेते हैं। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम एग्जांपल आपको दे चुके हैं, है ना, और एक हम आपको मॉडुलस का एग्जांपल देते हैं, डिफाइंड बाई यफ एक्स इक्वल टू मॉड यक्स प्लस मॉड यक्स प्लस वन। ये आपके पास एक एग्जांपल है। अब इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अभी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना, आप तो समझ रहे हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस का भी डिफिनेशन हमने आपको बताया था पिछले बार में, तो कितने पॉइंट इसके डिसकंटिन्यूअस होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को जनरेट करेंगे, फंक्शन क्या है, अब इस मॉडुलस फंक्शन का जनरेशन आपको आना चाहिए। कैसे जनरेट करेंगे जो देखिए, हम इसका साइन स्कीम से आपको जनरेट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट है ये मॉड एक्स है, अगर आप मॉड एक्स का डिफिनेशन आप जानते हैं तो जीरो से लेस देन पर ये मॉड एक्स जो है वो निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, और जीरो से बड़ा होने पर मतलब एक्स को पॉजिटिव होने पर मॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो लगभग सारा स्टूडेंट हमारा जानता है। और ये जो आपका लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस वन, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है मॉड एक्स प्लस वन का वो माइनस वन है, तो ये जीरो है तो माइनस वन इधर एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस वन से जब लेस देन होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और माइनस वन से जब बड़ा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब ये दोनों का हमने साइन स्कीम लिख दिया, अब आप चाहो तो फंक्शन को कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करोगे, देखो यहां ये माइनस है ऐसे, एक हिस्सा ये बनेगा और एक हिस्सा ये बनेगा, माने एक हिस्सा बनेगा कि यक्स का जो वैल्यू है माइनस वन से लेस देन लेना होगा। ये देखिए हम फंक्शन बनाने के लिए सीखिए कंटिन्यूटी के साथ में, और भी जगह पर आप इसका माने डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, और ट्वेल्थ का क्वेश्चन है तो आप केस वन में आइए, यक्स का वैल्यू माइनस वन से आप लेस देन लीजिए, जब माइनस वन से लेस देन लेते हैं तो दोनों फंक्शन आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, मतलब दोनों फंक्शन आपका निगेटिव ब्रेक करेगा, माने एफ एक्स जो हो गया माइनस यक्स हो गया और माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस वन हो गया, मतलब माइनस एक्स माइनस वन हो गया, तो माइनस टू एक्स माइनस वन हो गया स्टूडेंट। अब केस सेकेंड ले लीजिए, इसमें आप माइनस वन से ग्रेटर देन लीजिए और आप जो है जीरो से लेस देन ले लीजिए, ग्रेटर देन पर इक्वल टू लगाते हैं, मॉडुलस में एक इक्वलिटी होल्ड करना पड़ेगा आपको। अब इससे बड़ा ले रहे हो माइनस वन से ग्रेटर देन जीरो से लेस देन, तो देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, मतलब मॉड यक्स जो है वो निगेटिव है और मॉड यक्स प्लस वन पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव ब्रेक होगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया मॉड यक्स निगेटिव मतलब माइनस यक्स, और जबकि मॉड यक्स प्लस वन हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, देखिए कैंसिल आउट हो गया, एफ एक्स हमारे पास वन हो गया। केस नंबर थर्ड में आइए, तो केस नंबर थर्ड हमारे पास है, अब यक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर देन लेना होगा, यक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन लेना होगा, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, जीरो से ग्रेटर देन पर मॉड यक्स भी पॉजिटिव और मॉड यक्स प्लस वन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ब्रेक होगा, मतलब यक्स और प्लस यक्स प्लस वन हो गया, रिजल्ट हो गया टू यक्स प्लस वन, ये आ गया, मतलब ये दिया हुआ है तो फंक्शन ये है। अब इस फंक्शन को हम अरेंज करते हैं और तब फिर हम इसकी पूरी की पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि कहां इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा और कहां इसकी क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए हम इसको मिटाते हैं। अब यहां फंक्शन को मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है उसको मेंशन करते हैं, एफ एक्स।
एफ एक्स पहले वन से लेस देन पर माइनस टू यक्स माइनस वन है यदि यक्स को लेस देन माइनस वन रखते हैं। अब आ जाओ इस इंटरवल में वन है, यक्स का वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर देन लिया जाए और जीरो से लेस देन ले लें तो वन है, और जीरो से ग्रेटर देन पर टू एक्स प्लस वन है, जीरो से ग्रेटर देन पर आपके पास टू एक्स प्लस वन है, ऐसा आपके पास में है। अब जब ऐसा है तो देखो क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए जो भी इंटरवल दिया हुआ है माइनस वन से लेस देन दिया हुआ है इसका मतलब उसमें आपका कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू और जीरो से लेस देन है तो एफ एक्स इक्वल टू वन है, वन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है और कॉन्स्टेंट फंक्शन भी क्या होता है पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इस गिवन इंटरवल में भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। फिर आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर क्या है टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन फिर क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और फिर अभी हम स्टेटमेंट बताए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपका जो है इस इंटरवल में भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है कि माइनस वन से लेस देन पर कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस और जीरो से ग्रेटर देन पर कंटिन्यूअस है, सभी जगह कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कि इसके क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है क्या उस कनेक्ट जहां जिस पॉइंट पर हो रहा है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। तो कनेक्ट कहां कहां होगा, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है स्टूडेंट। जब ये पीस वाइज में आप देख रहे हो कि पीस वाइज फंक्शन है तो देखेंगे कि क्या यह पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है, अगर ये कनेक्ट हो गया इसका मतलब कंटिन्यूअस है। फिर देखेंगे कि इसका जीरो और इस जीरो पर ये दोनों कनेक्ट हुआ, अगर कनेक्ट हुआ तो फाइनली वो क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। इसलिए उसके क्रिटिकल पॉइंट जो गिवन के क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे भी आप निकाल सकते हो। तो आप क्रिटिकल पॉइंट पर और उसके प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, हम करके दिखा रहे हैं कैसे चेक करते हैं। टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू माइनस वन लिख देते हैं, टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पहला काम माइनस वन पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस माने माइनस वन से कम करेंगे लेफ्ट में तो फंक्शन क्या हो गया वो माइनस वन से लेस देन पर फंक्शन ये है माइनस टू एक्स माइनस वन है, क्या पुट करेंगे इसमें पिछले वीडियोस में भी कहे थे माइनस वन माइनस यच, यच टेंस टू जीरो। अब यहां क्या हो गया ये आ गया लिमिट यच टेंस टू जीरो और यक्स के पोजीशन पर रखेंगे माइनस टू माइनस वन माइनस यच माइनस वन, अब यच इक्वल टू जीरो रखेंगे, जब यच जीरो रखेंगे तब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका माइनस माइनस प्लस तो टू आ गया, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं होता। हमने कहा था कि जैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन है तो लिमिट के प्रॉपर्टीज में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आप यच इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो यच इक्वल टू जीरो करोगे तो माइनस टू इंटू माइनस वन तो टू हो गया, माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपके पास में लिमिट यक्स टेंस टू माइनस वन प्लस हो गया, माइनस वन से बढ़ने के बाद फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाता है वन और कांस्टेंट फंक्शन का भी लिमिट वन ही हो गया, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का सी अगर कांस्टेंट का लिमिट निकालते हो तो सी ही होता है, ये भी बात हम प्रॉपर्टीज में लिमिट के प्रॉपर्टीज में आपको बताएं, अगर आप स्टडी नहीं किए तो एक बार लिमिट का वीडियोस देखें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तब उसके बाद फर्दर आप कंटिन्यूटी थ्योरीज को देखेंगे तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, अब इक्वल टू भी लिए हैं यक्स यफ
माइनस वन भी आपका माइनस वन के इक्वल है तो वन ही है। इस प्रकार से यहां देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ माइनस वन बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपके पास एफ वन तीनों बराबर है स्टूडेंट। अब जब तीनों बराबर है इसका मतलब कि फंक्शन आपका माइनस वन पर कंटिन्यूअस है। मतलब आप कहोगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट यक्स इक्वल टू माइनस वन। यक्स इक्वल टू माइनस वन पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। चलिए ये तो हम इस पॉइंट पर आप चेक कर लिए। अब आप आ जाइए जीरो पर चेक करते हैं। बोर्ड छोटा है स्पेस कम है इसलिए इसको हम साफ करते जाते हैं। आपने माइनस वन पर कंटिन्यूटी चेक किया अब आप जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब आप जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करें सेकंड में आ गए। अब जीरो पर जब कंटिन्यूटी करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट यक्स टेंस टू जीरो माइनस और जीरो माइनस पर फंक्शन आपका वन है। जीरो से लेस देन पर फंक्शन वन है कांस्टेंट है तो फिर इसका लिमिट वन हो गया। राइट हैंड लिमिट लिमिट यक्स टेंस टू जीरो प्लस और जीरो से प्लस मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू हो रहा है जीरो से बड़ा वैल्यू पर टू यक्स प्लस वन हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा यक्स बराबर जीरो प्लस यक्स पहले एक ही आप आदत बनाइए जीरो प्लस यक्स जीरो माइनस यक्स ही रख के आप सॉल्व करना सीखिए और जबकि यक्स टेंस टू जीरो है बाद में हम फिर बताएंगे मेंस के क्वेश्चन पर जाकर कि कैसे आप उसको सॉर्ट करेंगे। तो ये आपका आपका हो गया लिमिट यक्स टेंस टू जीरो और ये हो गया टू जीरो प्लस यच और प्लस वन और फिर इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो ये जीरो रख दिया तो ये फाइनल जीरो हो गया तो ये रिजल्ट हो गया हमारा वन। और यफ जीरो कितना है तो जीरो के बराबर लिए हैं तो यहां जीरो रखोगे तो टू इंटू जीरो प्लस वन बराबर वन। मतलब फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और यफ जीरो बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और यफ जीरो तीनों बराबर है। इस प्रकार से आप कहोगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट यक्स बराबर जीरो। यक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस है मतलब ये इस पोर्शन का ग्राफ इसके साथ कनेक्ट हुआ और इसका इस पोर्शन का ग्राफ इसके साथ कनेक्ट हुआ। फाइनल फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। साथ में ये भी लिखना पड़ेगा इतना तो चेक किया आपने उसके किस पॉइंट पर कनेक्ट हुआ या नहीं उसके क्रिटिकल पॉइंट पर आपने चेक किया। साथ में यह भी लिखना पड़ेगा कि एफ एक्स इक्वल टू टू यक्स माइनस वन एंड एक ही साथ इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू टू यक्स प्लस वन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है वी नो डैट पॉलिनोमियल फंक्शन पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा वी नो डैट इसको मिटा देते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर और माने कंटिन्यूअस एवरीवेयर कर दो एवरीवेयर प्रत्येक जगह कंटिन्यूअस होता है इसलिए अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस है। सो गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब देख लो कंटिन्यूअस एट यक्स लेस देन माइनस वन और यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन जीरो रेस्पेक्टिवली ये लिखना पड़ेगा। और यहां इस इंटरवल में कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स इक्वल टू वन इज ए कांस्टेंट फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट उसी प्रकार से जैसे इसको लिखे हैं कंटिन्यूअस होता है इसलिए गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस सीधे लिख देते हैं कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू जीरो। इस इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस है तो आपका
इससे लेस देन पर ये कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, जीरो से ग्रेटर देन पर ये कंटिन्यूअस है और उसका एंड पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो फाइनली तो हम कहेंगे ही ना कि फंक्शन क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। जब पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि उसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां दिए थे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब कि इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो आप नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो कर देना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो कर देना। गिव हैंस गिवन एफएक्स, गिवन एफएक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, इसलिए उसमें डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि कितने पॉइंट होंगे, तो आप जीरो कहेंगे कि एक भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, और अगर आप इतना ना करके आप अगर इसका ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ से भी बना सकते हो, ग्राफ से भी बना सकते हो इसका। जैसे ये तो फंक्शन जनरेट कर लिए और इस फंक्शन का ग्राफ खींच लो, जैसे ग्राफ कैसे खींचोगे, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन है। चलो तो आप ऐसा कर लो कि एक साइड कर लो, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, इंटरसेप्ट ले लो तो माइनस वन है, तो माइनस वन से डिवाइड करोगे तो माइनस वन बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वाई वाई माइनस वन इक्वल टू वन, और इसका इंटरसेप्ट लोगे वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का, तब क्या हो गया, ये हो गया माइनस टू एक्स और प्लस वाई इक्वल टू वन, तो यहां से एक्स वाई माइनस वन बाई टू और वाई डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू वन, और ये तो कॉन्स्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर इसका ग्राफ खींचते हो, ये ग्राफ खींचते हो, ये रहा, ये माइनस वन ले, वन टू थ्री ऐसे ले लो, माइनस वन टू थ्री और ये निगेटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, देखो ग्राफ। अब यक्स लेस देन माइनस वन यहां है ना, ये इस हिस्से में है, लेस देन माइनस वन की बात कर रहे हैं, ये भी इंक्लूड नहीं है इस हिस्से में, तो फंक्शन क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट माइनस हाफ है और बाई माइनस वन है, तो यक्स माइनस हाफ का मतलब ये है और बाई इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब कि ग्राफ जो है ये माइनस हाफ है, कहीं ऐसे आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ग्राफ। अब क्या है सेकेंड में, माइनस वन से जीरो पर, माइनस वन से लेकर और जीरो तक कांस्टेंट है ये ग्राफ है, जीरो इंक्लूड नहीं है, तो जीरो पर आप ओपन कर लो, वन पर इंक्लूड है, इसी से अटैच्ड होगा यहां, ये हुआ। अब ये माइनस वन से लेस देन पर ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहीं तक ग्राफ रहेगा। आप नहीं चाहते हो तो इसको डॉट डॉट लिख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अनुसार से जो हमने फाइंड किया, ग्राफ जो है माइनस वन से लेस देन है, माइनस वन ये पॉइंट है, तो उससे आपको लेस देन रखना है। अगला क्या कर रहा है, जीरो से ग्रेटर देन ले रहे हो, तो फिर जीरो से ग्रेटर देन पर आपका माइनस वन माइनस हाफ ये है, और कहां से क्रॉस कर रहा है, वन से क्रॉस कर रहा है, यहां से क्रॉस कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब कि इसको फिल करते हुए, चूंकि इससे क्रॉस कर रहा है, इसको फिल करते हुए ग्राफ आपका आगे बढ़ जाएगा। देखिए आई जीरो से आपका बड़ा है, ये हिस्सा आपका जीरो से बड़ा है, ये जो हिस्सा है ना बाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का है, ये हिस्सा आपका जो है बाई बाई लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, बाई इक्वल टू वन का है, वो एफ एक्स बराबर बाई लिखे हैं, और ये हिस्सा जो है माइनस टू एक्स माइनस वन का है। इस प्रकार से ये ग्राफ को आप देखिए तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये ग्राफ पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। तो अगर आप ग्राफ भी खींचना जानते हैं स्टूडेंट, तो फिर आप जो है इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक जो हम थ्योरीज पढ़े, उस थ्योरीज में कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़े, एनालिटिकल मैथड ग्राफिकल मैथड दोनों का हमने स्टडी किया, उसके बाद हमने कंटिन्यूटी पढ़ा ओपन इंटरवल के लिए, कंटिन्यूटी
इन ओपन इंटरवल, फिर कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल का स्टडी किया डिफिनेशन में, फिर कंटिन्यूटी पढ़े इन इट्स डोमेन का स्टडी किए, और इस पर आज का दो एग्जांपल्स लिए स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आप जो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट से लेकर कंटिन्यूटी इन इंटरवल तक का हम सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आएंगे स्टूडेंट। इसके साथ इस वीडियोस को हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।